प्रेम के साथ मनवाणी को पवित्र करें, माँ भगवती का स्तवन करें। ये उन भगवती के उत्सव चले हैं जिन भगवती ने भगवान को भी गर्भ में धारण कर लिया था। पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, परशुराम, व्यास, बुद्ध, इन सबको जिन्होंने गर्भ में धारण कर लिया, ऐसी माँ भगवती जननी को हम आप सब प्रणाम करें, वंदन करें प्रेम के साथ सभी। बोले वैष्णो मैया की, आनंद कंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय हो। तो कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम 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 देखे, माँ के चरणों में चारों धाम देखे, ओ माँ के कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों।
Thank you.
पर्व मंगल मया। भागवती कथा का स्थान करते हुए हम आज भगवान की कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के प्रसंग में हम जुड़े इस प्रकार से नैमिषारण्य कीपा वन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषिवर सूत जी महाराज जी की पावन सन्निधि को प्राप्त किए हुए हैं। प्रश्न किया जगत हित की बात कही, सर्व कल्याण की बात कही, तो भागवत की महिमा कही, कलो किरेण भाषित, और भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से भागवत सुखदेव मुनि जी के पास पहुंचा, यह प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक प्रश्न था कि किस प्रकार से सुखदेव परीक्षित मुनि जी के साथ मिले, साक्षात राजऋषि हैं, पांडव वंशी हैं, और हमने सुना है कि उनकी अल्प मृत्यु हो गई, तो यह वृतांत भी हमें बताएं। तो भागवत की उत्पत्ति और भागवत का सुखदेव जी के पास पहुंचना, ये दोनों चर्चाएं तो हमने श्रवण करी, लेकिन किस प्रकार से सुखदेव मुनि जी का मिलन परीक्षित जी के साथ हुआ, परीक्षित का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। और इस संदर्भ में नैमिषारण्य में विराजित श्री रोम हर्षण नंदन उग्र श्रवासुर जी महाराज ने महाभारत की कथा को प्रारंभ किया। भगवान की कथा प्रारंभ होने से पहले, भगवान की जन्म कथा होने से पहले महाभारत की कथा आती है। श्रीमद् भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि श्रीमद् भागवत में सब पुराणों का थोड़ा थोड़ा अंश है। शिव पुराण में केवल शिव चर्चा ही है, देवी भागवत में भगवती की ही चर्चा है, नारद पुराण में नारद जी की महिमा गाई गई है, लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी गाया गया, भगवान शिव की महिमा भी गाई गई और उनके भक्तों की महिमा को भी गाया गया। इसलिए श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक कहा गया है। तिलक का मतलब होता है सौभाग्य, माथे पर तिलक को तो समझ जाइए कि स्त्री जो है तो सौभाग्यवती है, पुरुष के माथे पर तिलक हो तो समझ जाइए कि वो दीक्षित है, वो भी सौभाग्यशाली है। और ऐसे ही 17 पुराणों के ऊपर तिलक रूप में जो स्थापित है वो श्रीमद् भागवत है, अर्थात सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला है। ऐसे श्रीमद् भागवत में महाभारत की चर्चा आती है और महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया, युद्ध हुआ, आज तक का सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें कौरव और पांडव पक्ष विपक्ष में थे, एक तरफ भगवान कृष्ण थे, एक तरफ भगवान की सेना नारायणी सेना स्थापित, बड़े बड़े योद्धा इसमें लड़ रहे हैं, बड़े बड़े तिमिंगल यहाँ पर लड़ रहे हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण ये सब विराजित हैं यहाँ पर। प्रभु जी 18 दिन का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद कौरव परास्त हो गए, कौरवों के पुत्र पौत्र लगभग सब मारे गए, वंशविहीन लगभग हो गए, और जिसके कारण वंशविहीन हुए ऐसा दुर्योधन बचा हुआ है बस, पर उसकी दशा भी कैसी है, गंगा टूटी हुई है, माथा फूटा हुआ है, दुखी है, व्यथित है, पर इस बात से दुखी नहीं है कि मैं हार गया, इस बात से भी व्यथित नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, इस बात से भी व्यथित नहीं है, दुखी नहीं है कि मेरा राज्य चला गया, इस बात से भी दुखी नहीं है कि मेरे भाई मारे जा चुके हैं, तो फिर किस बात से दुख है, दुख इस बात का है कि 5 पांडवों में मेरे शत्रुओं में एक का भी बाल बांका नहीं, एक को भी नहीं, और इस दुख से दुखी होकर रणांगण की भूमि में पड़ा हुआ है, चला नहीं जा रहा है, सिर फूट गया है, रक्त बह रहा है, जंघा टूट गई है, मर्मस्थलों पर भीम ने खूब प्रहार किया हुआ है,
इसलिए हिल भी नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बहुत पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है। आज नारायण सुख जी महाराज बड़े प्रेम के साथ सौंदर्य जी को वृतांत बताते हैं। क्या कहते हैं? यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिषु वृको जब ऐसा विलाप कर रहा था, अकेला पड़ा हुआ है, चारों तरफ लाशें लाशें हैं, उस समय द्रोणाचार्य का बेटा कृपि नंदन अश्वत्थामा वहां पर पहुंचा और जले पर नमक छिड़कने लगा। अश्वत्थामा ने कहा, अब क्यों विलाप कर रहा है, अब क्यों रो रहा है, होनी भी तेरी दशा ऐसी, तुझे तो उस सूत पुत्र कर्ण पर बड़ा भारी विश्वास था, तुझे तो उस पितामह भीष्म पर बड़ा भारी विश्वास था जो बूढ़ा हो चुका है, मैंने कहा था मुझे सेनापति बनाएगा तो तेरा सब काम मैं करूंगा, पर कहा तुझे भरोसा नहीं था मुझ पर, इसलिए मैं युद्ध छोड़ के चला गया था, आज पता लगा है कि तू हार गया है तो मुझे दुख हो रहा है, मुझे सेनापति बनाया होता तो तेरी जगह पर, तेरे भाइयों की जगह पर पांडवों के सर पड़े होते, तू विजय रथ पर बैठकर हस्तिनापुर की ओर जा रहा होता, सब तेरे जय घोष कर रहे होते और पांडवों की देह जो है तो यहां पड़ी हो, लेकिन तू मेरी बात मान, मैं सेनापति होता तो ऐसा था। जब दो चार बार ऐसा हो गया तो क्रोध आ गया, दुर्योधन बोला से उठाकर, अरे तू मेरा मित्र है या शत्रु है? अश्वत्थामा बोला, विपत्ति काल में सब शत्रु ही नजर आते हैं, मैं तेरा मित्र हूं, मित्र था और मित्र ही रहूंगा हमेशा के लिए, लेकिन तूने मित्रता नहीं निभाई मेरे साथ, मैं दीवाने आ गया हूं, अंतिम क्षण में जब कोई तेरे साथ नहीं है उस समय अश्वत्थामा तेरे साथ खड़ा हुआ है। दुर्योधन ने कहा, अगर तू मेरा सच्चा ही मित्र है तो जा, मैं तुझे आज सेनापति घोषित करता हूं, और तो तिलक मेरे पास है नहीं, मेरे शरीर से निकला हुआ रक्त भूमि से मिला हुआ है, मृतिका से मिला है, मिट्टी से, उसी का तिलक करता हूं, जा आज से तू मेरा सेनापति है, भले ही पांच पांच पांडव को मत मारना या उनकी देह मत लाना, लेकिन पांच में से कम एक पांडव का शरीर उसका सर मुझे चाहिए, कौन केवल और केवल भीम का सर मुझे दे देना तो कृपा हो जाएगी, ऐसा कहा। अश्वत्थामा के माथे पर तिलक था तो क्रोध में तो बड़ी बड़ी बातें कह दी और कहा कि ठीक है, अब मैं तुझसे तभी मिलूंगा जब पांडवों के सर लाऊंगा, चिंता मत कर तू, और निकल पड़ा वहां से। अब निकल तो पड़ा, शाम का समय था, फिर मन में क्रोध में तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, पर जब क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो मन में एक भाव आया, जिन पांडवों को भगवान ही स्वयं संरक्षित कर रहे हैं, जिन पांडवों को बड़ी बड़ी चतुरंगिनी सेना नहीं मार पाई, जिनको पितामह भीष्म की तरह त्रिमंडल नहीं मार पाए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, बड़े बड़े कर्ण जैसे योद्धा जिनको नहीं मार पाए, बाल बांका नहीं कर पाए, नारायणी सेना जिन पांडवों का कुछ बिगाड़ ना पाई, मैं अकेले उनका क्या कर पाऊंगा। बैठ गए वृक्ष के नीचे, रात हो गई, सवेरे का इंतजार करने लगे, क्योंकि भले ही महाभारत युद्ध है लेकिन यह धर्म युद्ध है, गीता जी का पहला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध मामका पांडवस्य वक्तिम कुरु संजय, धर्म से यहाँ पर यात्रा प्रारंभ है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध धर्म में भी होता है, कुल भी होता है, कैसे, जब सूर्य उदय होता शंखनाद होता, शंखनाद से युद्ध प्रारंभ होता,
दोनों तरफ से चेतावनी दे दी जाती पहले, और जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता तो शंखनाद होता, और शंखनाद जब कान में पड़ जाता उसी समय सब जो है तो युद्ध बंद कर देते, विश्राम कर देते। रात्रि का समय हो रहा था, सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अश्वत्थामा विचार कर रहा था क्या करें। तो देखा कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसके कोटर में कोले भाग में एक उल्लू बैठा है। वो सारा दिन बड़े शांत बैठा हुआ था क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, और दिन में बैठा हुआ उल्लू उसको उस वृक्ष के ऊपर जितने भी घोंसले थे वो पक्षी परेशान कर रहे थे, वो डर रहे थे कि ये हमारे बच्चों को हमारे अंडों को खा जाएगा, तोड़ मरोड़ देगा, इसलिए उन पक्षियों ने खूब शोर मचाया हुआ था। पर ये शोर मचाने के बाद भी शांति नहीं हुई, आज उल्लू को खूब परेशानी कर दिया। उल्लू मन में सोच रहा क्योंकि दिख नहीं रहा है तो कुछ कर नहीं रहा, बलवान तो बड़ा भारी था, समर्थता तो बड़ी भारी थी। आज समय बीता और दिन से रात हुई, सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठ गए। अब उल्लू को दिखना प्रारंभ हुआ, बाकियों को दिखना बंद हो गया, और वो उल्लू रात को उड़ा और जितने भी पक्षी थे उनको भी मार डाला, उनके अंडों को तोड़ डाला, बच्चों को मार डाला और घोंसलों को घरों को उजाड़ डाला। ये सारी लीला नीचे बैठा हुआ अश्वत्थामा देख रहा था और उसने शिक्षा ले लिया। क्या कहा, ये उल्लू किसी और के लिए नहीं, ये तो मेरे लिए गुरु बनकर आया है, क्या करूंगा। बोले उन पांडवों के, उन पांडव जितने भी पांडव हैं जिन्होंने कौरवों को परास्त किया है, दिन में तो मैं उनको मार नहीं पाऊंगा, क्यों ना रात्रि में ही। जीवन में हमेशा ध्यान रखें आप संग किसका कर रहे हो, जीवन में हमेशा संग अच्छा रखिए, कहीं संग गड़बड़ हो गया तो ना चाहते हुए भी पतन हो जाएगा। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि जब महाभारत की कथा या महाभारत हम टीवी पर भी देखते हैं तो हम तुरंत एक मिनट में, क्योंकि हमारी बुद्धि है ना, इसको आदत है कि हम अच्छे वालों के साथ है कि बुरे वालों के साथ है, तो तुरंत कैटेगराइज करती है। तो जैसे ही महाभारत प्रारंभ होगा तो हम तो पांडव वाले हैं, राम कथा रामायण प्रारंभ हो जाएगी, रामानंद सागर जी की टीवी पर देखेंगे तो तुरंत मन में विचार हो जाएगा क्या हम तो राम जी वाले हैं, हम रावण वाले नहीं है। भागवत की कथा सुनने लग जाएंगे तो हम तो कृष्ण वाले हैं भैया, हम कंस वाले नहीं है, बोलो हाँ या ना। आप सारी उम्र इस तरह से कथा सुनते रहो, टीवी देखते रहो, पोथी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। आप किस प्रकार से पांडवों को श्रेष्ठ समझते हैं, वो श्रेष्ठ है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, पर एक पक्ष देखिए, पांडव और कौरवों एक ही वंश के हैं, एक ही गोत्र के हैं, और चाचा ताया के बेटा हैं, लेकिन हम कैसे माने कि पांडव बड़े भारी श्रेष्ठ हो गए, कौरव जो है कोई श्रेष्ठ नहीं। हाँ, दुर्योधन ने किया कि उनकी जमीन को हड़प लिया, एक गांव को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बुरे हो गए। माने जिसने दूसरे की जमीन को हड़प लिया वो बुरा हो गया, और पांडव बड़े अच्छे हो गए। जिन पांडवों ने सब सुनना गृहस्थी हो, जिन पांडवों ने अपनी पत्नी को बिना पूछे ही जुए पे दाव पे लगा दिया वो वस्तु समझकर, वो पांडव है श्रेष्ठ, बोलो। अपनी पत्नी को जो वस्तु समझे और वस्तु समझकर जुए में हार दे पे, उन पांडवों को हम बढ़िया समझते नहीं, ये गुण तो ठीक नहीं है। तो फिर कहां कहां जाए, कहां श्रेष्ठ है। पांडवों में एक ही गुण था, क्या, कि उनके साथ भगवान था, उन्होंने हमेशा भगवान का पक्ष लिया, और पांडवों ने नहीं लिया। पांडवों की माता कुंती ने हमेशा भगवान का ध्यान किया,
भगवान का आह्वान किया और अपने 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 जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, चाहे वो अपने पुत्र थे, चाहे अपने सौतम के मातरी के पुत्र नकुल सहदेव थे, उन पांचों को इकट्ठा करके उनको भगवान के शरणागत करवाया। और इस शरणागति की वजह से ही पांडवों को श्रेष्ठ समझा जाता है। शबरी मैया ने झूठे बेर खिलाए भगवान को, आप सब जानते हैं इस कथा को। और भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने खूब माखन झूठा अपने मुंह का निकाल कर खिला देती थी। बोलो हाँ या ना, आप खिलाओगे कभी? जाओ मंदिर झूठा, जाओ सेब लेकर थोड़ा खा के दो शीतला माता को। शीतला माता का वाहन गधा है, ऐसी लात मारेगा सीताराम हो जाएगी। प्रभु में वो समर्थता है, शबरी जैसी भक्ता में जो है तो वह समर्थता है, हम में थोड़ी है। अर्थात भगवान से कोई भी चीज जोड़ दी जावे, भगवान से साधारण दाल भात को जोड़ दिया जाए तो वो प्रसाद हो जाता है। भगवान बागीचे का फूल निकाल कर भगवान को पहना दीजिए, वो प्रसाद हो जाता है। बाजार से लाया हुआ कोई भी पत्र पुष्प फल भगवान को अर्पण कर दीजिए, वो नैवेद्य हो जाता है, उसमें प्रसाद को दिया जाती है। अगर संग भगवान का हो तो हमारे भीतर बैठी हुई कितनी भी दुष्टता होगी वो दुष्टता भी बदल जाएगी, कृपा होगा, कम से कम पतन तो नहीं होगा। और कौरवों का एक ही दोष था, उन्होंने भगवान का साथ भी नहीं दिया और भगवान को हृदय में बिठाया। इसलिए संग अच्छा करिए। संगत खोटी नीच की करके देखो वास, महिमा घटी समुद्र की बसयो रावण पास। गंगा की पूजा होती है, यमुना की पूजा होती है, सरयू की पूजा होती है, कृष्णा की पूजा होती है, ब्रह्मपुत्र की पूजा होती है, सिंधु की पूजा होती है, ये सरिताएं हैं। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी पावड़ियां होती हैं, उनकी पूजा होती है, घर में कुछ अनुष्ठान होते हैं, कलश यात्रा करते हैं, खड से नाले से झील तालाब इन सब की पूजा हम करते हैं। लेकिन समुद्र का जल जो है तो योग्य नहीं माना गया पूजा के लिए। आप में से कितने लोग रामेश्वर गए हैं? रामेश्वर माता जी ने स्नान किया रामेश्वर में, और स्नान करने के बाद दर्शन भी किए होंगे भगवान के, पर समंदर स्नान के बाद भगवान के दर्शन से पहले आपको 22 कुंडों का स्नान कराया गया होगा। हाँ या ना? क्यों करवाया गया? क्योंकि समंदर के जल में दोष है, समंदर के जल का स्नान करने के बाद आप भगवान का दर्शन करोगे तो आपको दर्शन का फल प्राप्त। दोष है, क्या दोष है, क्यों बना दोष? क्योंकि वो रावण के पास रहता है, क्योंकि वह रावण के पास रहता था, इसलिए संतों ने कहा संग हमेशा बढ़िया दिया। अगर जीवन में आपका संग सुधर गया तो मुझे लगता है सब कुछ सुधर गया। सलाहकार जीवन में बढ़िया रखिए, जीवन सुधर जाएगा। अश्वत्थामा में उल्लू का सहारा लिया, और जो उल्लू का संग करेगा उसका पतन ही होने वाला। मध्य रात्रि में गया, आज रोज सोते थे तंबुओं में, जिसको रावटी कहा जाता है, कहने लगे कि रावटियों में तो कॉफी काफी सो गए, इतने दिन हो गए, आज जीते हैं तो आज रावटी में नहीं, आज अरावटी में सोएंगे, अटारियों में सोएंगे। जहां पर कौरवों और पांडवों की अर्धांगिनी विराजमान होती थी, द्रौपदी मैया के साथ पांच पांच छोटे छोटे बालक सोए थे, वो पांडवों के बालक थे। आज
पांचों बालकों ने सोचा आज हम भी पिताजी के साथ आराध्य में सोएंगे। और मध्य रात्रि में द्रौपदी सोई रही और वो पांचों बालक बिना बोले चले गए पिताजी के पास सोने के लिए। लेकिन पिताजी को मारने के लिए तो अश्वत्थामा आया हुआ, सब सो रहे थे महाराज, भगवान जग रहे थे, सब सो रहे थे, कौन जग रहे थे, भगवान जग रहे हैं, भगवान जगते हैं, इसीलिए तो हम सोते हैं। हम आप जब सो जाते हैं रात को बिजली बंद करके, खाना वाना खा के, पानी पी के, दूध पी के, रजाई ओढ़ के नींद आ जाती है। तुम सारी रात कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, सवेरे उठने तक सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, पर उस नींद में भी एक चीज जो है तो जारी रहती है, क्या सांसे आया ना, तो वो सांसे अंदर कौन ला रहा है, कौन छोड़ रहा है, कोई और नहीं है, प्रभु बैठे रहते हैं हमारे तकिए के पास और सिर से सहलाते रहते हैं हमें और कहते हैं सो जा बेटा, सो जा, वो खुद जागे रहते हैं। जब यशोधा मैया भगवान से मिलती है, भागवत में आखिर में प्रसंग है, तब भगवान ने ये तो कहा था, मैया यशोधा ने कहा आ बेटा गले मिल जाओ, बोले हाँ मैया गले तो मिलूं पर मुझे गोदी में सोना है। यशोधा ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि थी और लगभग 114 वर्ष हो गए थे यशोधा मैया से मिले लगभग। आज जब मैया ने हृदय से लगाया और कहा नाना ने कि मैया गोदी आगे कर मुझे सोना है, अरे अभी अभी तो तू आया हुआ है, इतने वर्षों के बाद मनाया, थोड़ी बातचीत तो कर ले मुझसे, गले मिला और कहता कि सोना है, क्या तू मथुरा में नहीं सोया, क्या तू द्वारिका में नहीं सोया, क्या तू जरात को नींद नहीं आई, थक गया है क्या। भगवान हाथ जोड़कर बोले मैया तू कल की बात कर रही है, परसों की बात कर रही है, मैं जब से वृंदावन से गया हूँ तब से मैं सोया ही नहीं हूँ, तब से सोया ही नहीं, मुझे सोने दे। ये मत कहना कभी कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया, वो सारी रात हमारे लिए जागता है महाराज, सारी रात। और जिनको रात में नींद नहीं आती उनको पूछना कि क्या दशा होती है अगर एक रात में नींद ना आवे, कैसा स्वभाव हो जाता है, इसलिए ना खाने का मन होता है, ना पीने का मन होता है, ना बोलने का मन होता है, ना चलने का मन होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। पांडव सोए हुए थे, भगवान कृष्ण को पता चल गया अंतर्यामी प्रभु मारने के लिए आ रहे हैं पांडवों को। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है, भगवान ने कहा अर्जुन उठ जा, नकुल सहदेव उठ जाओ, भीम भैया उठ जाओ, युधिष्ठिर उठ जाओ, सबको भैया चलो कहां जाना है, सोने दे, जीते हैं आज, बोले जीते तो हैं, जब तक कौरव जिंदा थे तब तक वो शत्रु थे, अब मर गए हैं, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, वो तुम्हारे ही सपुत्री है, तुम्हारे भाई भतीजा है, कौन करेगा उनका संस्कार, भाई घर में मरे हुए हैं और तुम सोए हुए हो, द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, उनकी मृत्यु हो गई और तुम सोए हुए हो, चलो मेरे साथ अर्थी का अग्नि का संस्कार, अर्थी की व्यवस्था, चिता की व्यवस्था कर रही, चलो मेरे साथ। और इस बहाने से सबको जगा दिया और पांडवों ने एक बार भी मना नहीं करी, उठ गए, चल बड़े पीछे पीछे, चल बड़े पीछे। यहाँ पर पांडवों के बालक आए मध्य रात्रि में और देखा जी पिताजी तो यहाँ है, बोले आ जाएंगे तब तक हम सो जाते हैं, और ये सोए और इसी समय में अश्वत्थामा आया, अंधेरा तो था और मध्य रात्रि में ही डर के मारे एक कोई नहीं काटा, पता नहीं भीम कौन सा है इसमें, तो क्या किया कहीं कोई जग गया तो जग कर जो जगेगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो सोए सोए ही सबके गलों को काट दिया, एक नहीं पांच पांच बालकों केवल धड़ थे वहां पर, सर को काट कर लेकर कपड़े पर बांध कर भागता हुआ चला गया और जाकर जहां पर दुखी हुआ था दुर्योधन वहां पर उन सरों को लेकर पहुंच गया और जोर जोर से कहने लगा देखा कर दिया मैंने काम, जो काम तुम 18 दिन में नहीं कर पाए मैंने एक रात्रि में कर दिया, क्षण भर में कर दिया, तू एक भीम का सर चाहता था मैंने पांचों पांडवों का सर तेरे सामने रख दिया है, तू विजयी हो गया, तू जीत गया, खुश हो
हो गया हमारा दुर्योधन, अच्छा अच्छा मैं विजयी हो गया, पांडव मारे गए, हाँ हाँ कौन कौन, सभी बहुत खुश हुआ। लाला तो जीते जी तो भीम का सर का मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा मन था मैं अपने हाथ से पकड़ कर उसके सर को जो तो मसल दूं, इतना जीते जी तो नहीं पर उसका सर कट गया है तो मर के तो पकड़ू सर को, इतना क्रोध था भीम के प्रति। आज देखा तो पांच सरों में सारा रक्त रक्त लगा है, सबसे बड़ा सर अंदाजे से पकड़ा दिया और सर पकड़ाते ही जब दबाया गया तो तू पके की तरह दब गया। दुर्योधन बोला ये नहीं हो सकता, भीम का सर जिसने मेरे मुक्के सहन किए हैं, जिसने मेरी गदा का प्रहार सहन किया वो हो नहीं सकता। दूसरा दिया वो भी दब गया, तीसरा, ऐसा करते करते पांचवा सर जब पके हुए फल की तरह दब गया, छाती पीटने लग गया दुर्योधन। अच्छा हुआ तुझे पहले सेनापति नहीं बनाया, क्यों अगर तुझे पहले सेनापति बनाता तो 18 दिन तक महाभारत ना चलता, एक ही दिन में हम हार जाते। क्यों? अरे ये पांडवों पांडव नहीं है तो बोले ये पांडवों के बच्चे हैं, मेरी संतानें तो मर गई, मेरे पोता मर गए, मेरे बेटा मर गए, मेरे भाई मर गए, लेकिन यही तो थे जो मेरा श्राद्ध करते, मेरा अग्नि संस्कार करते, मेरा पिंड दान करते, तूने तो कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा है। बस ये कहकर तुरंत तो प्राणांत हो गया, मर गया दुर्योधन। इधर मैया द्रौपदी को पता चल गया, बालकों को कहीं और काटा है, द्रौपदी कहीं और है, लेकिन जानात को जब काटा तो काटते ही बच्चे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जब उनके सर हो गए धड़ से अलग तो मां की नींद टूट गई। मैं कथा में कई बार कहता हूं